दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते ऊ टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में फिल्म क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहम खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमेक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमेक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्य जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2 इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से चार पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहगारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमय जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमय जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से चार पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं, और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में, फिल्म में फिल्म क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से चार पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज़ पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हां दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एन्जॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी एव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन परसेंट मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमेक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2 इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही, जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन टोमेटोज़ पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में ओ जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है। जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जो इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमेक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन टोमेटोज़ पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है। जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यम जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर दस में से चार पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है। जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर दस में से चार पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन परसेंट रोटीन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते ऊ टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2 इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से चार पॉइंट की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है। जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को इंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्य जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इसे वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर दस में से चार पॉइंट एक की रेटिंग मिली हुई है 51 वन रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को हमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में ऊ टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है। जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम निर्दोष लोगों की हत्या के गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्य जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है रोटेन वन पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज एवं जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में, में जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते 2 को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जय को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते ऊ टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आज़ाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्य जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते ऊ टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमय जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही, जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते ऊ टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इसे वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन दिव्या खोसला, ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में फिल्म क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है फिफ्टी वन परसेंटिन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्य में वो जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनागारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस इस वीडियो के अंदर मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते टू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहम खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमय जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमय जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जाँच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहगारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमय जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमय जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही, जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमेक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को इंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच मुझ अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्य जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ ही मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी एव जयते टू इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51% वन परसेंट टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म अस्सी के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनाहारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर फतेही, जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटीन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को अस्सी के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में फिल्म में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप जॉन अब्राहिम की मच अवेटेड मूवी सत्यमेव जयते टू को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सत्यमेव जयते टू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है बात करें इस मूवी के बारे में तो 25 नवंबर 2021 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी सत्यमेव जयते 2। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो जॉन अब्राहिम दिव्या खोसला ईशा तलवार गौतमी कपूर नौरा फतेही जसमानक आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से 4.1 की रेटिंग मिली हुई है 51 वन परसेंट रोटेन टोमेटोज पर इस मूवी को फ्रेश बताया गया है अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यह मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय कर सकते हो यह मूवी का टेलीविजन प्रीमियर हमें टेलीविजन के चैनल सोनी मैक्स पर हिंदी भाषा में देखने को मिला है जी हाँ दोस्तों सत्यमेव जयते टू मूवी का वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिला है तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस मूवी का प्रीमियर हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखनी चाहिए बात करें इस मूवी के रिव्यू और कहानी के बारे में साल 2018 में रिलीज सत्यमेव जयते की कहानी भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख पर आधारित थी ऐसे में सत्यमेव जयते के लिए भी वही थीम एक जरूरत बन गई थी राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने ही इस मूवी को बनाया था सत्यमेव जयते टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या के गुनहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है इस मूवी के अंदर आपको काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है सत्य जयते जय टू को 80 के दशक की मास फिल्म की तरह बुना गया है जब पर्दे पर आप यह देखते हैं कि जॉन इब्राहिम का किरदार निर्दोष लोगों की हत्या को गुनाहगारों को सजा देने वाला ईमानदार इंसान बन गया है तो आपको आश्चर्य नहीं होता है आपको यह जानकर भी आश्चर्य नहीं होता है कि गुनाहगारों की मौत की सजा देने वाला और नहीं कोई बल्कि सत्या है जया को तो बस इसकी ईमानदारी से जांच करने और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है मिलाप जाबेरी यह जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं कि उनकी फिल्म 80 के दशक की फिल्मों को एक ट्रिब्यूट कर रही है फिल्म में डायलॉग और स्क्रीन प्ले में यह बात पूरी तरह झलकती है उदाहरण के लिए सत्या का एसीपी को फ़ोन कर कहना कि वह गुनागारों को सजा देगा चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए या फिर जय की एंट्री वाला सीन या दादा साहब आजाद फिर से जॉन इब्राहिम का किसान के रूप में वह सीन जहां वह सफेद कपड़ों में एक हाथ में खेत जोतते हुए नजर आते हैं और दोनों भाई केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में, में क्लाइमैक्स ठीक पहले एक वो सीन है जहां आप दोनों भाई आपस में लड़ते हैं कुल मिलाकर फिल्म में थीम के हिसाब से मसाला भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है दोस्तों अगर आप इस मूवी को एन्जॉय करना चाहती हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर जी हाँ दोस्तों यह मूवी का प्रीमियर हमें सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को सोनी मैक्स टेलीविजन चैनल पर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हो आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही यह मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद